आपका आचार्य में स्वागत है। सो आज हम लोग देखने जा रहे हैं एक और सीन। किस मूवी का बताएंगे? मौज़ एनिमल का ही, और टाइटल है एनिमल सीन टू द स्कूल सॉन्ग। रणबीर मीट्स रश्मिका, रणबीर कपूर, रश्मिका मंदाना एंड संदीप भूषण कुमार। तो चलिए देखते हैं वीडियो, लेकिन से पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करके लाइक शेयर को फॉलो करें चैनल को। उसके लिए मैं ब्लॉग चैनल लेके इसका लिंक भी मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करके लाइक शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। Guys, come join for school song. Everybody, school song. अबे स्कूल सॉन्ग किसको याद हो गया यार? आज सबको याद दिला दें। फोटो के लिए कहाँ गायब हो गया था तू? माइंड डाइवर्ट करने के लिए, बुलाने के लिए, बुलाने के लिए मैं भैया कब आया अमेरिका से? पक्का अमेरिका लग रहा है? एंड थैंक यू सो मच फॉर प्लेइंग दिस स्कूल सॉन्ग भैया, बचपन याद है एकदम से। घर में जब एक सुंदर लड़की होती है और उसका एक भाई होता है और भाई के बहुत सारे दोस्त होते हैं, तो उन दोस्तों में से एक को चुनकर घर की मौसी, बुआ, ताई भाई बनाती है। पता है क्यों? बहने हैं मेरी। आई नो दैट फीलिंग। I have no sisterly feeling for you. तू जो कार्तिक के लिए फील करती है, मेरे लिए भी वही फील करती है। अबे क्या बात कर रहे हैं? बोल ना, बचपन याद आया ना तुझे? नीतू, I'll come pick you up for dinner tomorrow. चलिए। परेशान। MBA PhD करनी थी। क्या हो? Apply किया और हो भी गया Princeton University में। अरविंद वहीं काम करते हैं। तभी पापा ने बोला कि he's the right match। पढ़ाई भी हो जाएगी और शादी। और तूने हाँ बोल दिया? हाँ। हाँ मतलब? एंगेजमेंट के लिए। हाँ मतलब शादी के लिए भी? हाँ। हाँ तेरा पहले से चक्कर चल रहा था इससे? प्यार करती है अरुण से? नहीं, एक हफ्ते से फोन पे बात की, दो दिन पहले वो यूएस आया आज एंगेजमेंट। तुझे पता है पहले लड़कियां लड़कों को कैसे सिलेक्ट करती थी? पहले मतलब? लेट्स गो बैक इन टाइम। सदियों पहले दो तरह के बंदे होते, एक अल्फा और दूसरा बाकी सब। अल्फा यानी स्ट्रॉन्ग बंदे, जंगल में घुसकर शिकार कर कर लेकर आते थे, और बाकी मर्द यानी वीकर बंदे सब में बांटते थे। औरतें खाना पकाती थी, बच्चों को, बाकी सबको खिलाते थे। कम्युनिटीज ऐसे फंक्शन करते, पर औरतें सिर्फ खाना नहीं पकाती थी, वो ये भी डिसाइड करती थी कि शिकारियों में से कौन सा मर्द उनके साथ बच्चे पैदा करे, कौन उनके साथ रहेगा, सोएगा, प्यार करेगा, कौन उनको, उनके बच्चों को बाकी शिकारियों से, जंगली जानवरों से प्रोटेक्ट करेगा। ये सब कुछ औरतें डिसाइड करती थी। ये पापा, मम्मी, कास्ट, रीजन, रिलीजन, यूनिवर्सिटी का जॉब कुछ नहीं था। तो अगर तू वहाँ होती तो किसे चूज करती? मतलब बंच ऑफ अरविंद या अल्फा? एग्जैक्टली। तो जब सारी औरतें स्ट्रॉन्ग बंदों को चूज करने लगी तो वीकर बंदे जलेस हो गए। इच्छा और वासना तो उन बेचारों की भी है ना। तब पैदा हुई पोल्ट्री। मैं तेरे लिए चंदा मामा लेकर आऊंगा। ओके, वीक लोग करते हैं पोएट्री। सात समुद्र पार करूंगा, ये लेके आऊंगा, वो लेके आऊंगा, कुछ नहीं करते हैं लोग। करते हैं तो बस। I didn't even realize you were touching my heart.
गीतांजलि, you have a big pelvis. You mean to say I'm fat? No, no, I'm not trying to say you're fat. What I mean to say is you have a big pelvis. You can accommodate healthy babies. Thank you guys. Thanks for coming. Yeah. Great evening. Karthik. Bol. Is there any chance I can get married to Gitanjali? Kya? Koi chance hai kya? Tu kya baat kar raha hai yaar? Uncle ke birthday party ke liye aaya hai ya engagement todne aaya hai? Sab chhod. Tere papa se baat karoge? Wow, relax. गाड़ी स्टार्ट कर। ए, तुम सब लोग गाड़ी क्यों बंद करे बे? ये सब तेरी मौसी के वजह से स्टार्ट हुआ। इतने सारे दोस्तों में सिर्फ मुझे क्यों भाई बुलाती है वो सोच। कुछ तो देखा होगा ना गीतांजलि की आंखों में तेरे मौसी ने मेरे लिए कि बोला भैया भैया बुला इसे। प्रपोज किया नाइन्थ और वो? वो सिक्स्थ में थी। फिर सेवन्थ में जब मैं टेंथ में था तभी हाँ बोली। हाँ बोली मतलब? हाँ बोली मतलब हाँ बोली, घर बुलाया। उसने राखी थी। बेटा कौन है ये? भैया के दोस्त है मौसी जी। अच्छा भैया के दोस्त भी तुम्हारे भैया है ना, बांधो राखी। तुम लोगों को कभी भाई बोली क्या गीतांजलि? स्कूल में कभी भी स्कूल के बाद? इन लोग होते ना तो भैया भैया बोलती है, अकेला मिलता हूँ तो नाम से बुलाती है। ब्रो मैंने भी नोटिस किया ब्रो। और वो राखी के दिन जब घर गया फीवर हुआ मुझे। फीवर? कुछ भी, तू सारी एनर्जी से कुछ करेगा और अचानक से सब रुक जाएगा तो बॉडी रिएक्ट नहीं करेगी। हाई फीवर हुआ मुझे, उसे पूछ, उसे भी हुआ होगा, 100% फीवर हुआ होगा। अबे अगर तुझे इतना मालूम होता तो किधर था अब तक? मुझे नहीं पता था तुम लोग इतनी जल्दी शादी कर रहे हो उसकी। और ऐसा नहीं कि इमोशन रिसर्फेस हुआ है आज, ये था, ये है और ये रहेगा। छोड़ यार ये बचपन, दो दिन में उसका शादी होने वाला है और यूएस निकलने वाली है। कहीं नहीं जाएगी। क्या? कहीं नहीं जाएगी। अबे तुझे क्या लगता है, तू बुलाएगा तो वो आएगी? यार ऐसी चीजें ना फिल्मों में ही अच्छी लगती है, रियल लाइफ में इस तरह ना वैसी पता नहीं बातें कहां की कहां पहुंच जाए। डंडे सोटे भाई, दो दिन पहले शादी तोड़ाने आ गया हमारी कुड़ी की। नहीं नहीं भाई, ये तो आगे में देखो मूवी को मूवी की तरह लेना चाहिए। मुझे नहीं तब से रियल लाइफ में ऐसी चीजें एग्जिस्ट करती है। अगर किसी के साथ कभी मतलब एक दो लोगों के साथ कुछ हालात वाकयात होते होंगे, मैं ये भी मानती हूँ, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं होता। कई लोगों की भाई एक दो दिन पहले क्या एक घंटे पहले शादी जो है वो खत्म हो जाती है। इनफैक्ट में मुझे याद आ रहा है मैंने बहुत दफ़ा ऐसी पोस्ट पढ़ी है जहाँ पर इंडिया में ही दुल्हन ने पता नहीं किसी वजह से कोई चीज़ पसंद नहीं आई, लाइक सीरियस इशू की बात करी हूँ, और मतलब शादी वाले दिन शादी तोड़ दी, इस तरह की पोस्ट भी मैंने पढ़ी है। हाँ, रिजेक्ट कर दिया बिल्कुल। तो इस तरह की भी चीजें भाई होती हैं। लेकिन खैर अभी हम सीन की बात करते हैं, एक्टिंग की बात करते हैं। भाई मैं एक बात बोलूंगी, मुझे ना रश्मिका के जो डायलॉग डिलीवरी है ना वो बड़ी मुश्किल से समझ आते हैं, आई डोंट नो व्हाई। लेकिन ये कि जब वो बात करती है ना तो मुझे लगता है थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा लगाना पड़ता है। यार वैसे ये हकीकत है, मैं भी ये चीज नोट करता हूँ कि रश्मिका मंदाना को जब आप सुनते हैं ना काफी ज्यादा मूवीज में तो ऐसे जैसे वो थोड़ा सा ना दबाकर जो है वो बोलती है, तो फिर थोड़े से ना डायलॉग प्रेस हो जाते हैं। लेकिन जो ना उनके एक्सप्रेशन जो होते हैं वो काफी कुछ जो है वो कह जाते हैं। जैसे अभी जो है बीच में जो बालकनी में आती हैं और जो है वो नीचे से जो उनका फियांसे होता है वो जा रहा होता है, तो वहां पे उनकी जो फेशियल एक्सप्रेशन है ना वो एक इस तरह का एक्सप्रेशन है कि एक रिजेक्शन वाले एक्सप्रेशन वहां पे ऑलरेडी आ रहे थे कि भाई वो कहीं ना कहीं माइंड बना चुकी हुई थी कि रिजेक्ट कर देना मैंने, वो बस प्रपोजल का इंतजार कर रही थी। अब भाई लड़कों को ज्यादा बेहतर पता होता है कि लड़कियों को किस किस तरीके से जज करते हैं। मुझे तो वैसे इतना नहीं लगा वहां पर, मुझे ये लगा कि हाँ किसी और की प्रेजेंस में थोड़ा ऑकवर्ड उसको लग रहा था कि मतलब उसको बाय बोलना। लेकिन उसके बाद भाई जो अल्फा वाली स्टोरी उन्होंने सुनाई, ठीक है ना भाई, एक तो ये अल्फा वाला आजकल बड़ा ट्रेंड में चला हुआ है, अल्फा मैन मतलब जो होते हैं। सो खैर नो डाउट हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है, इसका मतलब ये नहीं है कि बेचारे जो वीकर लोग हैं उनको कोई पसंद ही नहीं करता। मुझे लगता है हर किसी में कोई ना कोई क्वालिटी अच्छी लग रही होती है, और कोई इतना राउडी भी जो है ना वो सबको पसंद नहीं आता। बिल्कुल लड़कियों को ऐसे मर्द अच्छे लगते हैं जो कि अथॉरिटेटिव होते हैं, जो कि स्टैंड लेने वाले होते हैं, डिसीजंस लेने वाले हो
होते हैं, बट उसके साथ साथ कुछ लोगों को ऐसे भी पसंद आते हैं जिन पर वो खुद हुक्मरानी करना चाहती हैं, जो उनकी बात ज़्यादा सुने. सो मुझे लगता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोग होते हैं. बट ये है कि अल्फा खुद को बोलते बोलते जैसे वो उनके पैर को टच कर जाते हैं और उनको खुद भी नहीं पता चलता. मुझे ये वाला पॉइंट बड़ा अच्छा लगा रश्मिका ने जो उन पर मारा. उसके साथ एक और चीज़ जो है भाई, जो मूवी में आपको देखने को मिलती है, बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं कि उनकी फैमिली जो है ना वो भाई बना देती हैं कि भाई ये भाई हैं दोस्त आपके, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं मुझे रियलिटी बेस्ड लगी. तो तुम्हें क्या लगता है, भाई नहीं बोलना चाहिए? नहीं बोलना चाहिए. अच्छा चलो ठीक है, मान लेते हैं भाई नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अपने भाई सिर्फ भाई होते हैं, वही भाई बनने बड़ी बात है. एनीवे गाइस, ओवरऑल मैं कहूंगी कि इंटरेस्टिंग था आज का सीन हम लोगों ने जो देखा है. अभी आगे मजीद सीन देखेंगे, क्योंकि कल हम लोगों ने फर्स्ट सीन देखा था तो बहुत सारे हमें कमेंट्स ही आए थे कि आगे भी हम इसको कंटिन्यू करें. तो देखते हैं कि कहां तक कंटिन्यू कर सकते हैं भाई, क्योंकि कुछ सीन्स इस मूवी के ऐसे हैं जो मुझे लगता है कि हम लोग नहीं देख सकते साथ में बैठ कर, बट जहाँ तक हम देख सकेंगे वो डेफिनेटली हम आपके साथ जरूर देखेंगे. और इसी के साथ हमें